हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या ये ठीक है अगर मैं मेरे बच्चे को बार बार उठा के रखूं या बार बार गोदी में ले लूं? क्या इस हैबिट से बच्चे को कुछ फर्क पड़ेगा? जैसे घर वाले बोलता है कि बार बार बच्चे को गोदी में मत ले, बच्चे को तो सिर्फ गोदी का आदत हो जाएगा। बार बार ब्रेस्ट फीडिंग मत कर, बच्चे को तो सिर्फ फीडिंग का आदत हो जाएगा। बार बार बच्चे को अगर हाथ में लेके घूमोगे तो बच्चा नीचे रहेगा नहीं। बच्चे को अगर बार बार रॉक करोगे तो बच्चा हाथ के नीचे उतरेगा ही नहीं। बच्चे को तो आपके बॉडी के और हाथ के वार्मथ की आदत लग जाएगी। तो क्या ये चीज़ें ठीक है? क्या हम लोगों को इन आदतों को चेंज करने की ज़रूरत है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानते हैं। एक बड़ा खूबसूरत और ब्यूटीफुल लाइन जो किसी पेडियाट्रिशियन ने कहा था, जो कहते हैं, बच्चे को बार बार अपने पास लेने की जो चाहत है, उनके वो क्यूट क्यूट से गाल, वो प्यारी प्यारी स्माइल, वो सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी, जो आपको ये अंदर से आवाज देता है, ले ले यार अपने बच्चे को पास में, और वो बहुत अच्छा लगता है। इससे बच्चे को ऐसा कोई आदत नहीं लगेगा जो लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बच्चे होते ही इसके लिए है, ताकि हम लोग उनको कडल कर सके, पास में ले सके और प्यार कर सके। क्या इसके कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट, क्या हम लोग को कोई चीज़ें ध्यान में रखना है, वो सब हम लोग डिटेल्स में अभी जान सकते हैं। एक लाइन जो मैं मेरे सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ, पेरेंट्स कभी भी पेरेंटहुड आउटग्रो नहीं करते हैं, बच्चे बचपन आउटग्रो कर देते हैं। आपने कौन सा ऐसा 3 साल का बच्चा देखा है जो कॉन्स्टेंटली गोदी में रहता है? आपने क्या कोई ऐसा 5 साल का 6 साल का बच्चा देखा है जो कॉन्स्टेंटली रॉक करने के लिए लगाता है? नहीं लगाता। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगी कि 1 साल के ऊपर का भी बच्चा जो वॉक करने लग गया है, चीज़ों को पकड़ के खड़ा रह रहा है, वो भी बच्चा गोदी में ज़्यादा नहीं आता है। बच्चों को नीचे ज़्यादा मज़ा आता है। बट यस, पहले 6 महीने 7 महीने मैंने देखा है कि एज अ मदर भी मुझे, मेरी डॉटर जब भी नीचे होती थी, बड़ा प्यार आता है बच्चों को, ऐसा लगता है मेरे पास में लूँ, मेरे चेस्ट के पास लूँ, और बच्चों को देख देख के दिल ख्याल आता है, अरे यार ये मेरे ही अंदर से निकला है, कितना प्यारा बच्चा है। जैसे पापा जब भी ऑफिस से घर पे आता है, बच्चे को कॉन्स्टेंटली हाथ में लेना, बच्चे के साथ खेलना, बच्चे के साथ प्ले टाइम करना, ये पापा लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका आदत ना लगे, और रादर जैसे बोलूँगी कि आदत कोई लाइफ टाइम के लिए तो लगने नहीं वाला है, बट इनिशियल डेज में आप लोग को डिस्टर्बिंग ना हो, इसीलिए आप इस वीडियो में जो हम लोग 10 चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बच्चे को खुद के पास कडलिंग में, ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त कोजीनेस में या रॉकिंग में सुलाने की आदत नहीं होनी चाहिए। जब भी बच्चा खेल रहा है, बच्चा जगा हुआ है, बच्चा मस्ती कर रहा है, यस, तभी आप लोग बच्चे को चाहिए तो पास में लो, चाहिए तो मस्ती करो, बच्चे के साथ गेम्स खेलो। दैट कैन बी वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज अगर बच्चे को आपके बॉडी के टच के साथ सोने का आदत लग गया तो बच्चे को इंडिपेंडेंट सुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए थंब रूल बहुत सिंपल है, बच्चा जब भी स्लीपी है, ड्राउजी है, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है, तभी बच्चे को अपने इंडिपेंडेंट स्पेस में सुला दो और बच्चे को इंडिपेंडेंटली सोने दो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों को कोजीनेस, आपके ब्रेस्ट का टच, आपके ब्रेस्ट का पॉजिटिविटी, जनरली पेरेंट्स का टच, पेरेंट्स ने कडल करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज बच्चा पेट के अंदर बहुत ज़्यादा कोजी एनवायरनमेंट में था। और जब भी बच्चे को ये सब चीज़ें दुनिया के बाहर मिलती है, 24 आवर तो हम लोग नहीं करते, जब भी करते हैं तभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है। करने दो यार, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर ये चीज़ें नहीं होने वाली आपके साथ, सो एन्जॉय एवरी बिट ऑफ इट। तो जो फ्रस्ट्रेशन है उसको एन्जॉयमेंट में बदल दो। थर्ड थिंग, शायद मेरा बच्चा कॉन्स्टेंट गोदी गोदी मांग रहा है, गोदी में से उतरता ही नहीं है, मेरा बच्चा किसी के पास जाता ही नहीं है, और घर वाले सब लोग बोलते हैं कि तूने ही उसको गोदी की आदत लगा दी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सी वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ मदर, गोदी का आदत आपको लगता है कि आपके हाथ से लग गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है कि बच्चे को गोदी में ही काम डाउन होने की आदत लगा दी है, विच इज़ लिटिल ट्रिकी।
इसीलिए पॉइंट वन याद रखना कि बच्चा गोदी में नहीं सोना चाहिए, बच्चा इंडिपेंडेंटली बेड पे ही सोना चाहिए। बच्चा गोदी में कभी आ रहा है जब भी ब्रेस्ट फीडिंग चालू है, या बच्चे को माइट भी बॉटल फीड करा रहे हो, लाइक लैक्टोजन दे रहे हो, जब भी आप बच्चे के साथ कोई खेल खेल रहे हो, दैट इज वंडरफुल। फोर्थ थिंग जो आप लोग को ध्यान में रखना है, बच्चे को टच करना, मतलब कडल करना ऐसा नहीं होता। बच्चे के साथ गेम्स खेलो, होम प्ले करो, फिजिकल डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ करो, बच्चे के लिए मालिश करो, एंड यस, बच्चे को सामने सुला के दिन में बहुत बार देखो, स्माइल करो और खुद के बताओ, अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा बच्चा है यार, तू आई लव यू सो मच। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके मदरहुड को और पेरेंटहुड को और भी ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी बनाता है। फिफ्थ थिंग, अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी आदत लग चुका है, जैसे मुझे आज सुबह ही किसी ने मैसेज किया कि आई एम कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, हम लोग 4 दिन बाहर गए थे, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा था, पहले 2 दिन मेरा बच्चा बहुत क्रैंकी था, थ्रू आउट ट्रिप मेरा बच्चा किसी के पास नहीं गया, मेरे हस्बैंड के पास भी नहीं गया, सिर्फ मेरी गोदी में था मेरा बच्चा, मेरे हाथ शोल्डर बैक बहुत ज़्यादा दुख रहा है, क्या करना चाहिए? ऑल ऑफ यू रिमेंबर समथिंग, जब भी बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ है, या बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, या बच्चे को इसी जगह पर पेन हो रहा है, सी ऐसा नहीं हो सकता कि लूज मोशन हुआ और फिर बच्चा रिकवर था तो एकदम ठीक हो जाएगा। यूजुअली इंटरनल रिकवरी 2-4 दिन आगे चलता है, तो अगर बच्चा बीमार हुआ तो वो 7-8 दिन बच्चा थोड़ा क्रैंकी होता है, यूजुअली बीमार पड़ने के 1-2 दिन, एक्चुअल बीमार है तभी 3-4 दिन, और उसके बाद के 1-2 दिन, इतना ड्यूरेशन तो गया। मेरे बच्चे आज भी, जैसे 6 साल और 9 साल के बच्चे हैं, अभी भी अगर उनको कहीं पर दर्द है, मम्मा पास में लो ना, मम्मा गोदी लेके बैठो ना, मम्मा प्लीज पास में लेके सोने दो ना, दे विल स्टिल डू इट। क्या एज अ मदर मैं इससे फ्रस्ट्रेट होंगी? दैट कैन बी द वन वे। सेकेंड वे, कैन आई अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे को जब भी बच्चा क्रैंकी है, पेन में है, या कोई तकलीफ हो रहा है, आपके पास आने के बाद बच्चे को सिक्योरिटी फील होता है। यूजुअली तभी बच्चा प्रैम में भी नहीं बैठेगा, किसी के पास भी नहीं जाएगा, इवन पापा के पास भी नहीं। तो इधर आप बच्चे को हाथ में लेके कैरी करो, या बेस्ट थिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, वेयर बेबी कैरियर, बेबी वेयर अगर आप लोग पहनते हो, उसमें बच्चे को डाल दो एंड रोम अराउंड हैप्पीली। कोई भी तो क्या यार तेरा बच्चा तो किसी, हाँ ना यार ये बच्चा तो किसी के पास ही नहीं जाता है, दैट विल स्पॉइल एवरीथिंग। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, दिस द सिक्स्थ टिप, डोंट डिस्कस एनी थिंग जो आपको रिपीट नहीं होना चाहिए। अरे तेरा बच्चा तुझे छोड़ता ही नहीं है, यूजुअली मेरा बच्चा बहुत पीपल फ्रेंडली है, मेरा बच्चा सबके पास जाता है, आई थिंक आज उसको मम्मा के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्यारा है, इट्स ओके, लेट इट बी, आई एम पीसफुल विद दिस। स्टार्ट फीलिंग यूज्ड टू विद दिस, एट टाइम्स इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि तकलीफ नहीं होता है, मुझे पता है देर हैव बीन टाइम्स जब बच्चे को टीदिंग हो रहा है, या लूज मोशंस हो रहा है, या बच्चे ने वॉमिट किया है किसी चीज़ की वजह से, या एज सिंपल एज उसको दर्द हो रहा है, बच्चा मुझे बोलेगा मम्मा आ जाओ, बस छोड़ना ही नहीं है। शो एम्पथी टुवर्ड्स चाइल्ड, अभी मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है, ये आदत लाइफ टाइम नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी आदत लाइफ टाइम नहीं रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट। सेवन थिंग, आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों के लिए आप बच्चे को गोदी में ले रहे हो और कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लैक्टोजन पिलाने के लिए, बस उतना ही 30 मिनट्स 35 मिनट्स का ड्यूरेशन, या आप कडल टाइम कर रहे हो, या आप कांगारू टच कर रहे हो, या आप बेबी हग कर रहे हो, यस दैट्स अगेन 5-10 मिनट्स, दैट्स इट। सो हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है, एक ड्यूरेशन होता है, जब तक आप लोग इस ड्यूरेशन को क्रॉस नहीं करते हो, शायद मैं तो 2-2 घंटा बच्चे को गोदी में लेके बैठती हूँ, इंसान का बच्चा है भाई, 2 घंटा लेके बैठोगे तो तुम्हारी और बच्चे की दोनों की लग जाएगी। सो जब भी मैं बोलती हूँ कोजीनेस, टच, दैट सिक्योरिटी, उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है दैट यू नीड टू इंश्योर कि वो आप बहुत अच्छे से करो। 8th thing, स्नैपचैट इज अ वंडरफुल टेक्निक, बिकॉज बहुत बार बच्चे जो कॉन्स्टेंटली टच या गोदी या कॉन्स्टेंटली लेने के लिए डिमांड करता है, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन इनसिक्योरिटी से होता है, या बच्चा आपको मिस करता है इसीलिए ऐसा करता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप स्नैपचैट दो, स्नैपचैट का वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ, बच्चे को पास में लो,
बच्चे को कडल करो एंड यस फील बीइंग अ पेरेंट. नाइन्थ थिंग, यू हैव टू लिव दिस जर्नी एक्सप्लोरिंग. आपको धीरे 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 समझना पड़ेगा कि आप जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं करोगे. ये पेरेंटिंग का रूल है. श्रेया मेरा बच्चा 4 दिन से बहुत गोदी गोदी कर रहा है, अदरवाइज आपका बच्चा कैसा है? निशा अदरवाइज तो मेरा बच्चा बहुत पीसफुल है, बहुत हैप्पी गो लकी है, सबके पास जाता है, देन इट्स ओके. मेरा बच्चा तो आजकल बहुत ज़्यादा जिद करता है. नो, ये 4 दिन का सिचुएशन है, तो इस 4 दिन में ऐसा क्या नया हुआ? क्या आप नई जगह पे गए थे? क्या आप नए लोगों के साथ थे? क्या आपने बच्चे को स्नैपचैट से प्रिपेयर नहीं किया हुआ था? क्या आपके बच्चे को कहीं बॉडी पेन या कोई इलनेस हो रहा था? क्या आपके बच्चे को कोई तकलीफ हो रहा था? या माइट बी वो जगह बच्चे को इतनी पॉजिटिव नहीं लगी. इट कैन बी एनीथिंग. बट आप लोगों को याद रखना है कि आप जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं करोगे बच्चे के. इनफैक्ट दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो. मेरा बच्चा तो कभी भी नहीं सुनता है, नेवर गेट इन टू दैट. मेरा बच्चा कभी भी रात को पीसफुल नहीं सोता है, नेवर गेट इन टू दैट. मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं खाता है, नेवर गेट इन टू दैट. जैसे रिसेंटली मुझे किसने बोला मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं खा रहा है. बोली कुछ भी नहीं खा रहा तो इट्स ओके, स्मूदीज ट्राई करो, सूप्स ट्राई करो, फ्रूट्स ट्राई करो. माइट भी आपका बच्चा टीथिंग कर रहा है. बोले हाँ मेरा बच्चा फ्रूट्स खा रहा है, सूप ले रहा है, स्मूदी भी ठीक ही ले रहा है, एंड दैट्स इट. बोले फिर पहला लाइन आपने ऐसा क्यों बोला कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है? मेरा मतलब ऐसा था कि रोटी सब्जी नहीं खा रहा है. दैट्स ओके, वो तो हम लोग भी कभी कभी नहीं खाता. सो आपको समझना है कि जनरलाइज स्टेटमेंट आपके मुँह से नहीं निकलना चाहिए. नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, खुद का खुद फिल्ट्रेशन करो. क्या ये मैं चीज़ एंजॉय कर रही हूँ? कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सटेंड मत करो कि वो आपके फ्रस्ट्रेशन लाइन पे चला जाए. जैसे कैन आई टेक माय बेबी क्लोज टू मी, क्या मैं मेरे बच्चे को बार बार पास में ले सकती हूँ? ले सकते हो. उस लाइन को एंजॉयमेंट से फ्रस्ट्रेशन तक सिर्फ मत लेके जाओ, तो आप बहुत पीसफुल और हैप्पी मदर बनो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा पति हमेशा बोलता है कि बच्चे हमेशा पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन होते हैं. सो आप कैसे पेरेंट हो? पीसफुल पेरेंट, काम डाउन पेरेंट, हैप्पी पेरेंट, एंड इट्स ओके बोलने वाले पेरेंट. इट्स ओके यार, बच्चों के साथ आज ना थोड़ा अलग ही चल रहा है आजकल. ठीक है, आजकल कुछ अलग नहीं शेड्यूल हो गया. ठीक है, कोई भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं रहती, आउटग्रो हो जाएगी. इंसान का बच्चा इंसानों की तरह जिएगा. फर्स्ट 2 ईयर्स आपके पेरेंटिंग जर्नी के आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे. बेसिक चीज़ें, गोदी में लेना, उठना सोने का शेड्यूल, खाने पीने का शेड्यूल, बच्चे की लाइकिंग, पॉटी का शेड्यूल, सुसु का शेड्यूल, वैक्सीन का शेड्यूल. उसके बाद और नई चीज़ें आएगी. बच्चे का डेवलपमेंट शेड्यूल विल स्टार्ट, बच्चे का टॉकिंग विल स्टार्ट, वोकैबुलरी विल स्टार्ट, कम्युनिकेशन विल स्टार्ट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा जहाँ पर रिस्पेक्ट विल स्टार्ट, वैल्यू बिल्डिंग विल स्टार्ट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा जब भी बच्चा फ्रेंडली होगा और बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएगा. उसके साथ नेक्स्ट स्टेज आएगा जब बच्चा प्री टीन, 3 स्टेज में जाएगा. इट जस्ट आउट ग्रो, लिव एवरी बिट ऑफ योर पेरेंट एंड एन्जॉय. आपको लगता है ना बच्चे को पास में ले जाए, ले लो यार, खुद के बच्चे को फ्लाइंग किसी दो और खुद को बोलो क्या मस्त पेरेंट है मैं, क्या मस्त प्रोडक्ट बाहर निकाला है. ऐसे बोलना है, आई टॉक इट, इवन मैं आज भी बोलती हूँ क्या मस्त प्रोडक्ट निकाला है यार, पता नहीं कैसे, इट्स गॉड्स ग्रेस. आई बिलीव इन फेथ, आई बिलीव इन माई टीचर्स टीचिंग्स, आई बिलीव इन मेडिटेशन, एंड आई बिलीव इन पेरेंट्स इंट्यूशन. डू यू बिलीव इन योर इंट्यूशन? यस श्रेया, देन डू वॉट यू बिलीव इज इंट्यूटिवली राइट एंड जस्ट फॉलो दैट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. पेरेंटिंग इज वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. Enjoy every bit of it. Thank you so much all of you. अगर आपको ये videos अच्छे लग रहे हैं तो do subscribe to our channel. Like ज़रूर करना, share करना और comment करके हम लोग को बताना आपको ये video कैसा लगा. अगर आप में से कोई बच्चा plan कर रहा है, pregnant है, बच्चे को solid introduce करना है, आपको बच्चे के right और left brain stimulation के home play turned into developmental play के activities जानना है, ये सारे कोर्सेस माय दुजा के साथ आप लोग कर सकते हो. आपके ऑनलाइन फिटनेस के क्लासेस कर सकते हो. डू गेट इन टच विथ अस
and keep inspiring yourself and others. Thank you so much. Have a great time and bye.